सभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, एक बजने के लिए 10 मिनट बचे हैं और अभी जस्ट हम फ्री हुए हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से। ये रही मेरी प्यारी प्यारी सखी, मेरी कलीग आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी हैं ये, बहुत अच्छा नेचर है इनका, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है हमारी आपस में। और ये है एक प्यारा सा बच्चा जो कि गोद में ही बैठा रहता है हर वक्त, थोड़ा सा ये कैमरा शाय है। श्रेया से हाय, ये कैमरा शाय है। और बाकी के बच्चे देखिए प्ले टाइम है, अभी सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये है हमारा प्यारा प्यारा सा स्कूल। पेंटिंग वेंटिंग होने के बाद स्कूल जो है बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, आप देख सकते हैं इस वाली वॉल में भी काफ़ी अच्छी सी पेंटिंग है और यहाँ पे भी पेंटिंग है, उधर भी है, फ्रूट्स वगैरह लगे हुए बना रखे हैं और इस तरफ भी हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर भी है। एक बज चुका है, अब थोड़ी देर में मैं अब जाऊँगी अपनी बुटीक की तरफ, से पहले करेंगे लंच। बच्चे इतना शोर करते हैं ना, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और ये है गर्वित, हाय गर्वित, ये अभी तक इतना रो रहा था ना लेकिन अभी खेलने लग गया है, मस्त है ये, खुश रहने लग गया है। ये कुछ एक बच्चे हमारे पास पुराने हैं जैसे कि अभिषा है, हाय अभिषा से हाय। और ये है जयवीर, और ये कौन है अद्वैत, ये है आर्यन, और ये नए बच्चे हैं वो देवांश है, हाय देवांश, गुड आफ्टरनून बोलो बेटे, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड आफ्टरनून। और ये है विशु, हाय विशु। तो अब करेंगे हम लंच बच्चों को घर भेजने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने बुटीक में अपना काम, बहुत सारा काम है मेरे पास। यहाँ से फ्री होने के बाद लंच करके सीधा अपने बुटीक में जाऊँगे शाम के 7 बजे तक। अभी तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी देखो हल्के हल्के बादल स्टार्ट हो गए आने, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कुत्ता बैठा हुआ है आज। ये देखो बच्चों से एक बार खाना बच गया, तो नीचे के जाती ना रोटी हम डॉगी को दे देते, उसको आदत हो गई है कि यहाँ मुझे कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो चलिए पेरेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, गाड़ियाँ आने लगी हैं उस तरफ, आप बच्चों को सी ऑफ कर देते हैं, छुट्टी का टाइम है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। क्यों जी, तो गाइज फाइनली बच्चों को घर भेजकर मैं आ चुकी हूँ अपने बुटीक में। आजकल मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं उसका टिफ़िन लेकर आती हूँ, मतलब बॉक्स उसका है, खाना मेरा खुद का ही है। आज मैं लेकर आई हूँ मलका की दाल और साथ में राइस, ये आप देख सकते हैं इधर है दाल और इधर है राइस। और मैं अपनी बुटीक के अंदर ये देखिए स्पून और प्लेट भी यहीं पर ही रखती हूँ, तो इसको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए खीरा भी है, और ये जो बॉटल है ना ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी पल्ली साइड भैया के, और यहाँ पे चटनी भी लेकर आई हूँ मैं। अब मस्त अपना लंच वंच करते हैं, उसके बाद अपना काम में लग जाते हैं, क्योंकि जो 3 घंटे मेरा स्कूल में लग जाते हैं ना वो मुझे प्रोग्रेस बनानी होती है शाम के 7। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर डे। और ये है जी हमारी कलेक्शन, ये मैंने कल ही लगाया था डिस्प्ले में, इस तरह के प्लाजो कुर्ता विद दुपट्टा जो सेट भी है मेरे पास, और इस तरह के कॉटन के ये टॉप है, क्वाड सेट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे, और भी बहुत सारी कलेक्शन है। ये देखिए इस तरह के पाकिस्तानी सूट, पार्टी वेयर सूट्स भी हैं और इस तरह के भी हैं, ये मैं आराम आराम से इनकी वीडियोज़ बनाती जाऊँगी। और कुछ कॉटन की इस तरह की कुर्तियाँ भी हैं ये देखिए। तो चलिए सबसे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी की बातचीत। हाँ, शाम को देखेंगे। तो गाइस शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे पास देखो मेरे सब्सक्राइबर आए हैं, एक आंटी दूसरे आंटी, और ये मेरे से सूट खरीद रहे हैं। ये आंटी मुझे वीडियो के जरिए जानते हैं और ये मुझे स्कूल आते जाते भी रोज देखते रहते हैं, और मैं इनको मिलके बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, जबकि मैं इनको जानती नहीं थी। इनको तो मैं जानती हूँ, अंजू की मम्मी है जो मेरे साथ प्ले स्कूल में होते थे पहले, इनको मैं नहीं जानती थी, बट मुझे इनसे मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये मेरी शॉप से सूट खरीद रहे हैं, सबसे अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरी शॉप में आने के लिए, थैंक यू थैंक यू, आते रहना इसी तरह से, ठीक है। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो गाइस अंधेरा हो चुका है, ये देखो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, फाइनली मैं चली घर। ये रही मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी के आगे किसी दूसरों की गाड़ी लगी है। तो अब निकलते हैं फाइनली, हौले हौले, लाइटें हो चुकी ऑन, अब जाके देखो चौहान भैया से भी मैं आज बाद में जा रही हूँ, फाइनली चलते हैं वापस, अब मिलते हैं, मतलब घर पहुँच के तो आपसे मिलूँगी ना, लेकिन बाद में मिलूँगी। तो गाइस आप टाइम देख सकते हैं, 8 बजे मैं पहुँच रही हूँ। ये रहा मेरा बेटा जिसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, और हमेशा की तरह इस बार भी एक वो थैला है कट करने के लिए, एक ये थैला है। मेरी ज़िंदगी ना कपड़े और कैंची में ही निकल गई है, कसम बोलती हूँ मैं परेशान हो गई, लेकिन खुशी की बात भी आज ना मेरे
हाँ, मेरे सब्सक्राइबर आए थे मुझसे मिलने के लिए, दो आंटियाँ, और उन्होंने मुझसे शॉपिंग भी करी बहुत सारी, और स्टिच करने के लिए भी मेरे बुटीक में दिए हैं, और ढेर सारी बातें की उनसे। बड़ा मजा आया उनसे मिलके भाई, बहुत मजा आया। मजेदार लोग हैं इस दुनिया में जिनको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जिनके आने से और खुद दिल खुश हो जाता है। बहुत मजा आया उन आंटियों के साथ। तो उसके बाद दो तीन और लेडीज आई थी, उसके बाद दो और लेडीज आई थी। सोचती हूँ मैं 7 o'clock बंद करूंगी, लेकिन समर्स में क्या होता है कि शाम के टाइम ही, जैसे गर्मी के टाइम है ना, शाम के समय ही लोग बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, तो मुझे रुकना ही पड़ता है। तो चलिए, मेरे बेटे ने खाना ख़त्म कर रखा है इधर, चावल के पानी तो डाल दिया कर भाई इसमें, और खाने पीने का कुछ नहीं बचा यहाँ पे। खाना पीना ख़त्म है जी मेरे घर में, मलका की दाल और चावल बनाए तो सब ख़त्म कर रखा है। क्यों बेटा, कुछ नहीं बचाया? पेपर कैसा हुआ? बढ़िया। ये देखो इतना सूखा पड़ा है कि इसमें पानी डाला था, सारा ख़त्म हो गया। और वहाँ पर भी है मनी प्लांट, मैं रोज़ रोज़ दिखाती हूँ क्योंकि मुझे मनी प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक था, और फाइनली मेरे मनी प्लांट जो है ना अच्छे से ग्रो करने लगे हैं। देखिए यहाँ पर विंडो साइड काफ़ी ऊपर तक आ चुका है ये, और बुटीक में भी है। तो फटाफट से चाय वाय बना देते हैं, कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं, फिर थोड़ा 10 o'clock तक आज 100% मुझे बैठना है, कट करने हैं दो सूट में मुझे, तरपाई करनी है, मतलब हाथ वाला काम करना है। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। बेबी की किस्मत में ना रुकना नहीं है। हर्षु चलो चाय बना दो, आप आ जाओ, बंद करो फोन बेटा, चाय प्लीज़। अच्छा, चाय तो पिला दे, एक सेकंड नहीं, बनाते बनाते देख ले। बना रहा हूँ एक सेकंड, मुझे थका हूँ मैं खेल के, अभी बैठता हूँ फिर एक मिनट बनाता हूँ। गाइस फाइनली ये देखिए डिनर में हमने डिसाइड किया है भिंडी की सब्जी और रोटी। मैंने क्या किया, एक तरफ भिंडी बनाई और एक तरफ मैंने फटाफट से चपातियाँ भी बना दी हैं, आपको मैं दिखा दूँ एक बार। और यहाँ पे मैंने चपातियाँ बना दी हैं। वैसे ना हम लोग कैसरोल में जो हॉटकेस में जो ना चपातियाँ दबा के कभी रखते नहीं है, लाइक जैसे स्टोर करके, हम लोग क्या करते हैं कि बनाते जाते हैं खाते जाते हैं जैसे दो लोग बैठे। लेकिन आज हमने सोचा कि समय को बचाते हैं। ये देखो 8 बजे मैं आई थी और 9 o'clock हो चुकी है मुझे, तो एक घंटा मेरे पास 9 से 10, जिसमें मैं कटिंग करूँगी एक दो सूट्स, और उसके बाद हैंड वर्क वाला प्रेस वेस करके क्योंकि टाइम मिलेगा, तो एग्जैक्ट 10 o'clock मैं सो जाऊँगी, ताकि थोड़ा एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सुबह के लिए फिर मैं बिल्कुल ढीली हो जाती हूँ, मुझे स्कूल भी जाना होता है। और मई के महीने में मेरा पूरा एक महीना छुट्टी रही स्कूल की, लेकिन हाँ मई में जून में मैंने चालू कर दिया, जुलाई में फिर 1 month हॉलीडे रहेंगी, कुछ बुटीक का काम होगा, फिर जाऊंगी मैं दिल्ली, फिर दिल्ली से ढेर सारी शॉपिंग करके लाऊंगी अपनी बुटीक के लिए भी और खुद के लिए भी। मेरा बहुत मन करता है कि मैं डिजाइनर से ड्रेसेस खुद के लिए बनाऊँ। आदमी ने बहुत ही प्यारा सा ना नेक डिजाइन, ब्लैक कलर का नेक, सुंदर से नेट वाले नेक डिजाइन वाला एक बहुत ही सुंदर सा सूट बनाया, लेकिन मेरा भी मन कर रहा था कि मैं खुद के लिए बनाऊँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है खुद के लिए, अब क्या ही करूँ, मुझे तो ऐसे आलतू फालतू सूट पहनने पड़ते हैं। तो फाइनली हो चुका है जी हमारा डिनर तैयार, अब करते हैं फटाफट से डिनर। और ये देखो मैंने हर्षित से मैगी मसाला मंगवाया था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया सब्ज़ी में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो काफ़ी समय से मेरा मन था कि मैं मैक्रोनी खाऊं, तो ये मैक्रोनी भी मैंने इससे मंगवाई थी, और इसमें मैगी लाई, और साथ में भैया जो सामान मंगवाया जाता ना उसका किराया लगता है, तो उसके लिए 20 रुपये इसने ले लिए मुझसे, हमेशा लेता है। बुटीक आता है वहाँ पे तो ये 50-60 रुपये डेली का इसका, मतलब मेरी अर्निंग से कहीं ज़्यादा ये खाता है। 100 रुपये नहीं, 100 से तो ज़्यादा ही है। और यहाँ चल रहे खीरा कट, फटाफट से खाना लगाते हैं, मस्त अपना खाते पीते हैं, फिर मैं आपको सूट्स दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो ये मेरा हैंड वर्क है, हाथों का काम, जिसमें कि मैंने रील वील सब साथ में डाल रखी है, सीजर है, डायरी है, इसमें मैं लिखती रहती हूँ सबके मेजरमेंट्स। एक सूट ये है और दो सूट यहाँ पर है। ये ना मेरी ट्यूब जली नहीं है, थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा आपको, ये ना एक्चुअली साड़ी है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही पतली सॉफ्ट, जो जॉर्जेट होता ना शिफोन की, आई थिंक ये शिफोन, यस जॉर्जेट नहीं है, शिफोन सॉफ्ट वाला कपड़ा है ये। इसका मुझे गाउन सा बनाना है जो कि सिंपल है, जैसे नाइटी होती है ना उस टाइप का गाउन है ये, ऑल ओवर ऊपर से नीचे तक एक ही पहना जाता है, जो ये है मेरी नॉन, काफ़ी अच्छी लवली नाम है उनका, उनका है ये भी मुझे बनाना है। तो इनको थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आज स्टॉप कर दूँ, इनको कल बनाऊँगी, कटिंग का जो मैं घर से करती हूँ ना, इससे मेरा समय बहुत ज़्यादा बच जाता है, तुरपाई और कटिंग वाले से घर के लिए लेकर आती हूँ, कल से स्पीड अप होना पड़ेगा मुझे अपने काम को लेकर। और ये मेरे बेटों की गंदी हरकतें, कपड़े हर कहीं फेंक देता स्कूल से आने के बाद,